फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर इन लाइट ऑफ श्री अरविंदो। आज हम फोर नोबल ट्रूथ्स एंड एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म देखेंगे, यानी कि चार आर्य सत्य और बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध ने आर्य अथवा आर्य शब्द का जो प्रयोग किया है वह कोई नस्लीय अर्थ में कि जाति के अर्थ में नहीं है। पाली भाषा में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अटल, त्रैकालिक सत्य, सुंदरतम। जो भी कुछ सुंदरतम है, श्रेष्ठतम है, उसे भगवान बुद्ध ने आर्य अथवा आर्य कहा है। मुक्ति के मार्ग के लिए अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म की एक नैतिक प्रणाली मानी जाती है। बौद्ध धर्म का अष्टांग मार्ग वैदिक प्रणाली का अमरत्व मार्ग का ही कठोर उन्नयन है एंड पॉस्टीरियर सब्लिमेशन ऑफ द वैदिक नोशन। अमरत्व के मार्ग को वैदिक प्रणाली में रूपस्य पंथा भी कहा गया है। श्री अरविंद अपने ग्रंथ रेनिसेंस इन इंडिया में इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ के अध्याय 2 में बहुत संक्षेप में इसकी चर्चा की है, परंतु उसके माध्यम से श्री अरविंद ने बुद्ध धर्म और उसकी प्रणाली के बारे में हमें जो कुछ बताया है उसको समझने का हमें अवसर प्राप्त होता है। श्री माने भी धम्मपद पर अपना भाष्य रखा है, उसको भी हम संक्षिप्त में देखेंगे। पार्ट 1 में हम चार आर्य सत्य को देखेंगे, द फोर नोबल ट्रुथ्स को संस्कृत में चतुरी आर्य सत्यानि और पाली भाषा में चतरी आर्य सत्यानि कहते हैं। हिंदी में चार आर्य सत्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्री मान्य धम्मपद पर अपना भाष्य करते हुए चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग को सरल तरीके से समझाया है। श्री मान्य आश्रम में शुक्रवार के वर्ग में धम्मपद पर अपना भाष्य की शुरुआत करते समय कहा था कि मानसिक नियंत्रण यानी कि मेंटल कंट्रोल सिखाने के लिए मैं धम्मपद को समझाऊंगी। बुद्ध के अष्टांग मार्ग को निर्वाण की उपलब्धि के लिए श्रेष्ठतम मार्ग बताया गया है। श्रेष्ठ मार्ग होने के कारण उसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म की 8 प्राथमिक शिक्षाएं हैं जिनका बौद्ध मार्गी पालन करते हैं और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग बताया है। निर्वाण एक ऐसी अवस्था है न तो दुख होता है और न ही इच्छा डिजायर। उसके पालन से व्यक्ति कर्म के प्रभाव और मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्द में निर्वाण ही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है और अष्टांगिक मार्ग है उसको पाने का एक साधन। गौतम बुद्ध ने बोधि प्राप्ति के पश्चात अपनी अमूल्य शिक्षाओं के सारांश को चार आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया। उनकी शिक्षाएं सैद्धांतिक से अधिक व्यवहारिक है। आर्य सत्य चार है। दुख अर्थात संसार दुखमय है, दैट इज सफरिंग। दूसरा सत्य दुख समुदय अर्थात दुख का कारण भी है, दैट इज ए कॉज ऑफ सफरिंग। तीसरा सत्य दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है, दैट इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग। और चौथा सत्य दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों का अंत के लिए एक मार्ग भी है, दैट इज अ वे लीडिंग टू सफरिंग। पहले तीन उपदेश सैद्धांतिक सत्य को बताता है जबकि चौथा उसके व्यवहारिक पक्ष को बताता है। श्री माता जी ने धम्मपद के भाष्य में चार आर्य सत्य को इस प्रकार क्रमांकित किया है, पहला सफरिंग यानी कि दुख, दूसरा द ओरिजिन ऑफ सफरिंग दुख की उत्पत्ति यानी कि दुख का कारण, द सेसेशन ऑफ सफरिंग यानी कि दुख का अतिक्रमण दुखों का अंत संभव है, और चौथा नोबल एट फोल्ड पाथ लीड्स टू सेसेशन ऑफ सफरिंग।
अष्टांगिक मार्ग दुख को समन करने की ओर ले जाता है। श्री माता जी चार सत्य को विस्तृत रूप से व्याख्यायित करती है। पहला सत्य दुख यानी कि सफरिंग। अगर जीवन को सामान्य जीवन यानी कि अज्ञान और मिथ्यात्व के जीवन के अर्थ में देखें तो वह अविच्छेद्य रूप से दुखमय है। वह दुख शारीरिक हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। दूसरा सत्य दुख की उत्पत्ति ओरिजिन और सफरिंग। श्री मां कहती है दुख का कारण है इच्छा यानी कि तृष्णा। काली ने तन्हा कहते हैं। बौद्ध धर्म मानता है कि प्राणी तृष्णा के कारण ही जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। कि मां कहती है तृष्णा या इच्छा का कारण अज्ञान अविद्या है जो विभक्त जीवन का स्वभाव है। बौद्ध धर्म अविद्या को ही समस्त दुखों का जरा मरण का जन्म मृत्यु का मूल कारण मानता है। अविद्या के कारण ही इच्छा या तृष्णा का उदय होता है जो दुख का कारण बन जाता है। तीसरा सत्य दुख का अतिक्रमण द सेसेशन ऑफ सफरिंग। दुख से छूटने का दुख को रोकने का उपाय है। बौद्ध धर्म का मानना है कि दुखों का निवारण करके तृष्णा को अशेष करके निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और चौथा सत्य एस्केप फ्रॉम सफरिंग इज द लिबरेशन। अष्टांग मार्ग का अनुसरण करने से यह मुक्ति प्राप्त होती है जो धीरे धीरे मन को अविद्या से करता है। दूसरे पार्ट में हम नोबल एटफोल्ड पाथ अष्टांगिक मार्ग को जो चार आर्य सत्यों में चौथा सत्य है उसको देखेंगे। अस्तित्व